बच्चों, तो यहाँ पे अब हम नए चैप्टर का न्यूमेरिकल्स करने वाले, दैट इज चैप्टर नंबर 11, मैग्नेटिक मटेरियल्स, आपका महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का 12th स्टैंडर्ड का। तो कुछ फॉर्मूले पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे जाते हैं। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर सपोज करो एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें अगर एक मैग्नेट रखा हुआ है एक पर्टिकुलर एंगल पे, तो उस पर जो टॉर्क लगता है वो टॉर्क का फॉर्मूला म्यू बी साइन थीटा, जहाँ पे म्यू जो है वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है और म्यू का जो डायरेक्शन होता है हमेशा साउथ टू नॉर्थ होता है। ठीक है, तो अगर वो साउथ टू नॉर्थ म्यू और मैग्नेटिक फील्ड बी के बीच में जो भी एंगल थीटा आएगा, वो यहाँ पे आपको साइन थीटा में यूज करना है। बी मैग्नेटिक फील्ड है, पोटेंशियल एनर्जी होगा इसका वो माइनस म्यू डॉट बी होगा, और अगर आप एक एंगल से दूसरे एंगल तक घुमा रहे हो तो उस घुमाने में जो वर्क डन लगेगा, उस वर्क डन का फॉर्मूला म्यू बी कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा नॉट जो है वो इनिशियल एंगल है और थीटा फाइनल एंगल है। अगर ये ऑसिलेट करता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√π/μb, जहाँ पे आई मैग्नेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, म्यू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, और बी जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है वो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है। अगर एक इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूमता है, हमको पता है अगर बोहर की थियरी को माना जाए तो एक इलेक्ट्रॉन एटम में न्यूक्लियस के अराउंड सर्कल में घूमता है, अगर उस सर्कल का रेडियस आर है, उस ऑर्बिट का रेडियस आर है और वो v स्पीड से घूम रहा है, तो उसका मैग और उस इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का हम वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं E/2m × L। अब ये E/2m जो है इसको बोला जाता है गायरो मैग्नेटिक रेशियो, और L जो है आपका वो L है आपका mvr, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, इसका एक और फॉर्मूला है यहाँ पे, वो भी मैं लिख देता हूँ, ई ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू EvR/2। EvR/2 जहाँ पे v जो है वो स्पीड है, r उसका रेडियस है, और या फिर EL/2m जहाँ पे L एंगुलर मोमेंटम है mvr। EL/2m को गायरोमैग्नेटिक रेशियो बोला जाता है। एक और फॉर्मूला यहाँ पे बनता है इसका ENH/4πm, जिसमें EH/4πm आपको बोर मैग्नेटॉन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप मैग्नेटाइजेशन की बात कर लेते हैं कि अगर सपोज करो आपके पास एक मटेरियल है, उस मटेरियल के ऊपर आपने सोलेनॉइड लगा दिया और सोलेनॉइड में करंट भेज दिया, तो उस मटेरियल का हम पहले तो मैग्नेटाइजेशन देखते हैं। मैग्नेटाइजेशन मतलब उसके अंदर कितना नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को अगर वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो आपको मैग्नेटाइजेशन मिलेगा। इस एम को मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं इस मटेरियल का। जब आप ऊपर से ये लगा दोगे, सोलेनॉइड लगा के करंट भेजोगे, तो सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा यहाँ पे, और सोलेनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, एच यहाँ पे दिख रहा है, और इस एच को बोला जाता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अब इसको नाम देखो, या तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलेंगे, जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड यहाँ पे सोलेनॉइड प्रोड्यूस कर रहा है अपनी करंट की वजह से, या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोल सकते हैं, या सिंपली मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोला जाता है। तो ये वर्ड्स को ध्यान रखना है, ये वर्ड्स आएगा मतलब एच की बात हो रही है। एच का फॉर्मूला N×I है, अगर हम सोलेनॉइड से ये एच अप्लाई कर रहे हैं तो। एच मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और एम जो है वो टोटल मैग्नेटाइजेशन मटेरियल के अंदर का। अब उन दोनों की वजह से, एक तो उसके अंदर खुद का मैग्नेटाइजेशन है और दूसरा आपका बाहर मैग्नेटाइजिंग फील्ड सोलेनॉइड की वजह से आ रहा है, ये दोनों का मिला के टोटल जो भी मैग्नेटिक फील्ड बीच में प्रोड्यूस हो रहा है इस मटेरियल के अंदर, उसको हम बी लिखते हैं। और इस टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी को या तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोला जाता है, या मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोला जाता है। तो आपको ये वर्ड्स ध्यान में रखना होगा, ये वर्ड्स है मतलब बी मैग्नेटाइजेशन एम, मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ये एच हो जाएगा। म्यू नॉट जो है वो परमियबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, उसका वैल्यू 4π×10⁻¹ होता है। फिर एक फॉर्मूला है म्यू एम इज इक्वल टू काई इनटू एच, ये एम और एच के बीच का रिलेशन है, जहाँ पे काई को बोला जाता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और जब ये वैल्यू ऊपर आप सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको बी इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस काई इनटू एच आ जाएगा। इस 1 प्लस काई को आप म्यू आर लिख सकते हो, म्यू आर को बोला जाता है रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ मटेरियल, और अब ये ऊपर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच आ जाएगा। म्यू नॉट इंटू म्यू आर को आप म्यू लिख सकते हो, म्यू को बोला जाता है परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल, म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी है, म्यू परमिएबिलिटी है, म्यू नॉट परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस है। तो फाइनली आप ऊपर सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये लास्ट में आपको इक्वेशन आ जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू इंटू एच। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चंस पे। अच्छा, इसमें एक और चीज, पैरामैग्नेटिज्म का जो फॉर्मूला है एम इज इक्वल टू सी बी अपॉन टी है, जहाँ पे सी कांस्टेंट है, एम मैग्नेटाइजेशन है, बी बाहर से जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं वो है, टी टेम्परेचर है। अगर इसके काई का फॉर्मूला देखो तो काई इज इक्वल टू सी म्यू नॉट अपॉन टी होता है, तो
तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपका जो ससेप्टिबिलिटी होता है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर फेरोमैग्नेटिज्म पैरामैग्नेटिज्म तक पहुंच जाता है, पैरामैग्नेटिज्म अगर वो एक्वायर कर लेता है तो काय का वैल्यू सी अपॉन टी माइनस टी सी हो जाता है, जहाँ पे टी सी को क्यूडी टेम्परेचर बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। यहाँ पे तुम देख सकते हो पहला क्वेश्चन, अ बार मैग्नेट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 500 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, बार मैग्नेट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देके रखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो दिया है 500 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर दोगे तो ग्राम को कन्वर्ट करोगे तो 10^-3 केजी हो जाएगा, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करोगे तो मीटर होता है 10^-2, पर उसका स्क्वायर है तो 10^-4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और इन शॉर्ट 500 इंटू 10^-7 केजी मीटर स्क्वायर। ये दो जीरो आप हटा सकते हो यहाँ से दो माइनस खत्म करके, तो 5 × 10^-5 केजी मीटर स्क्वायर, ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। बोलिए, एक बार मैग्नेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना दिया है, और ये बोला है इसने कि 10 ऑसिलेशंस पर मिनट, 10 ऑसिलेशंस पर मिनट मतलब 60 सेकेंड्स में। तो भाई एक ऑसिलेशन का टाइम जो होता है उसको पीरियड बोलते हैं, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो एक ऑसिलेशन कितने टाइम में करेगा बताओ, 10 ऑसिलेशन 60 सेकेंड्स में, तो एक ऑसिलेशन 60 / 10 दैट इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स में होगा एक ऑसिलेशन। 6 सेकेंड में एक ऑसिलेशन हो रहा है तो 60 सेकेंड में 10 ऑसिलेशन हो जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट, व्हाट इज इट्स मैग्नेटिक मोमेंट, आपको इसका मैग्नेटिक मोमेंट ढूंढना है। अगर ये अर्थ के हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड में अगर ये ऑसिलेट करे, और अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड 0.36 गॉस दिया हुआ है। अब देखो गॉस को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो गॉस सीजीएस यूनिट है, एसआई यूनिट टेस्ला है, तो यहाँ पे आप 10^-4 से मल्टीप्लाई कर दो तो टेस्ला में आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पे रिलेशन लिख देता हूँ कि 1 गॉस 10^-4 टेस्ला होता है, ये इनमें रिलेशन है, ठीक है। बाकी आपको और कुछ करना ही, आपके पास फॉर्मूला है, बस वही फॉर्मूला आपको यूज करना है, टी इज इक्वल टू 2π√i/μb, बस यही फॉर्मूला मैंने बताया था, इसको आपको यूज करना है। दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दोगे तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4π²i/μb आ जाएगा, और इससे आपको म्यू का वैल्यू मिल जाएगा दैट इज इक्वल टू 4π²i/T²(b). बस सारे वैल्यूज डाल लिए, आपको वैल्यू मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा 3.14 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे 5 × 10^-5 होगा, डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, टाइम पीरियड कितना है 6 है, 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड 0.36 मल्टीप्लाइड बाय 10^-4। तो यहाँ आप देख सकते हो इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 4 × 3.14 × 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 5 / 36 / 0.36, तो ये 1.521 आ रहा है, 1.521, 1.522 लिख सकते हैं यहाँ पे, 22 आ रहा है, और म्यू है तो इसका एसआई यूनिट होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो ये आपको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट म्यू मिल गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कैलकुलेट द गायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का गायरोमैग्नेटिक रेशियो ढूंढना है। गायरोमैग्नेटिक रेशियो होता है आपका E/2m, तो बस E/2m, E का सबका वैल्यू भी देकर रखा है, 1.6 × 10^-19 2 × 9.1 × 10^-31, तो ये आप देखोगे तो ये हो जाएगा आपका 16/91 × 2 कितना हो जाएगा, 9 × 2 = 18, 182। अब ये 19 − 31 जो होगा वो होगा आपका 12, तो ये 10^12 हो जाएगा, क्योंकि 31 ऊपर चला जाएगा, 31 − 19 12 हो जाएगा। 16 / अगर 182 करोगे तो आपको आ जाएगा 0.0879, राइट 0.0879 यही आ रहा है, हाँ, × 10^12, और यू कैन सिंपली राइट इट एज, दो जीरो आगे ले जाओ तो 8.79 × 10^-2 हो जाएगा, क्योंकि आपने दो जीरो शिफ्ट किया है और 10^12 पहले से ही है, तो इसका वैल्यू आपका आ जाएगा 8.79 × 10^10, ठीक है। इसका यूनिट क्या होगा यार, यूनिट देख लेते हैं। देखो ई का यूनिट जो होता है E/2m है ना, ई चार्ज है, चार्ज का यूनिट कूलम होता है, और एम मास है, मास का यूनिट केजी होता है, तो ये कूलम पर केजी आपका यूनिट आ जाएगा, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं
रीजन इन साइड ए करंट कैरिंग टोरॉइड वाइंडिंग इज फिल्ड विथ एल्यूमिनियम हैविंग ससेप्टिबिलिटी काई इज इक्वल टू 2.3। काई का वैल्यू यहाँ पे देखे रखा है आपको 2.3 इंटू 10^-5। तो एक टोरॉइड है उसके अंदर इतना है ये वैल्यू। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द मैग्नेटिक फील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ओवर दैट विदाउट इट। अच्छा, टोरॉइड पहले एल्यूमिनियम के बिना था, बाद में एल्यूमिनियम डाला गया तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया। तो अब देखो आपका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच। यहाँ पे अगर आप टोटल मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला देखोगे तो ये रहा, किधर गया, ये देखो आपका ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है, बी इज इक्वल टू म्यू इंटू एच, राइट। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, बी इज इक्वल टू म्यू इंटू एच। तो बिना मैग्नेटिक फील्ड पहले तो कुछ नहीं था, तो आपका B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच हो जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच हो जाएगा। आफ्टर एल्यूमिनियम की अगर मैं बात करूं, एल्यूमिनियम इसको B नॉट लिख लेते हैं, चलो ये विदाउट एल्यूमिनियम है, विदाउट एल्यूमिनियम, ठीक है। आफ्टर एल्यूमिनियम ओवर इट, अगर देखो B इज इक्वल टू म्यू इंटू एच होता है पर कुछ नहीं है, तो म्यू मतलब म्यू नॉट हो जाएगा, वैक्यूम का म्यू हो जाएगा, तो बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच हो जाएगा आफ्टर एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम डाल दिया है तो आपका वैल्यू जो है B इज इक्वल टू एल्यूमिनियम का म्यू हो जाएगा, एल्यूमिनियम का म्यू इंटू एच, ये फॉर्मूला है हमारा। हमको पूछा क्या गया है, वॉट इज परसेंटेज इंक्रीज इन द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में परसेंट इंक्रीज कितना हुआ, परसेंट इंक्रीज का मतलब होता है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड अपॉन ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। यही आपको कैलकुलेट करना है, परसेंट इंक्रीज। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड पहले बी नॉट था, फिर बी हुआ, तो बी माइनस बी नॉट, ठीक है। ये आपका चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है अपॉन ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट। अब वैल्यूज डाल दो इसके मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बी का वैल्यू जो है वो म्यू इंटू एच होगा, और माइनस म्यू नॉट इंटू एच अपॉन म्यू नॉट इंटू एच हो जाएगा, इंटू 100 तो चलता रहेगा। सो दैट इज इक्वल टू, आप अगर सपोज करो एक सेकेंड, ये म्यू नॉट है, म्यू नॉट, तो आप यहाँ से एच कॉमन ले लो, एच कॉमन ले लोगे तो म्यू माइनस म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट इंटू एच हो जाएगा, और यहाँ से ये वाला पार्ट आपका कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ पे इंटू 100 चलता रहेगा। अब हमारे पास एक और फॉर्मूला है, दैट म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर रिलेटिव परमिबिलिटी म्यू आर के टर्म्स में। तो अगर मैं म्यू की जगह पे लिख देता हूँ म्यू नॉट इंटू म्यू आर माइनस म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट, तो ये 100 तो चलते रहेगा। आप म्यू नॉट भी कॉमन ले सकते हो, तो म्यू नॉट कॉमन ले लोगे ऊपर से तो म्यू आर माइनस 1 अपॉन म्यू नॉट हो जाएगा इंटू 100, एंड म्यू नॉट म्यू नॉट हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा आपका म्यू आर माइनस 1 इंटू 100। अब म्यू आर क्या होता है, आपके पास एक और फॉर्मूला है कि म्यू आर का जो वैल्यू होता है वो काई प्लस 1 होता है। तो अगर म्यू आर का वैल्यू मैं काई प्लस 1 माइनस 1 इंटू 100 कर दूं, तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा काई इंटू 100। तो काई का वैल्यू इन्होंने देख के रखा हुआ है 2.3 इंटू 10^-5 इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका 2.3 इंटू 10^-2 हो जाएगा, राइट, नहीं 10^-3 हो जाएगा, जैसे सेकेंड ये 10^-3 हो गया, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा 0.0023%। ये फिर परसेंट में आ गया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये परसेंट में आ गया 0.0023%, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। When a plate of magnetic material of size 10 cm into 0.5 cm into 0.2 cm is located in magnetizing field of 0. magnetizing field मतलब क्या है, ये H है, then a magnetic moment of 0.5, तो magnetizing field बोला है पहले, तो ये लिख लो आप 0.5 into 10^4 ampere per meter है और magnetic moment देके रखा हुआ यहाँ पे 0.5 in एम्पियर मीटर स्क्वायर, ओके।
और यहाँ पे आपको वॉल्यूम मिल जाएगा, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट देके रखा हुआ है ना, तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम मिल जाएगा मटेरियल का। मटेरियल का वॉल्यूम जो है वो 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 0.5 इंच सेंटीमीटर, आप सीधा इसको मल्टीप्लाई कर दो, 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, और ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, वॉल्यूम मतलब सेंटीमीटर क्यूब। तो अब ये 5 × 0.2 हो जाएगा, 5 × 0.2 विल गिव यू 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसको अगर आप मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁶ मीटर क्यूब हो जाएगा। देख लेना भाई, 5 5 × 0.2 1 हो जाएगा। हाँ ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको मैग्नेटाइजेशन मिल जाएगा। पहले तो मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला होता है नेट मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मैग्नेटिक मोमेंट 0.5 है और वॉल्यूम आपका, वॉल्यूम कितना है, 10⁻⁶ है, तो ये हो जाएगा आपका 0.5 × 10⁻⁶ एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 0.5 अपॉन, हाँ ठीक है, मैग्नेटाइजेशन मिल गया। अब चाहिए क्या हमको, ये देखते हैं, फाइंड आउट मैग्नेटिक इंडक्शन इन प्लेट। मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी, और बी इज इक्वल टू, हमको पता है म्यू नॉट एच प्लस एम होता है। ये फॉर्मूला सारा मैंने लिस्ट करके दे दिया है। म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई × 10⁻⁷ होता है, ये भी बताया था। एच का वैल्यू आपको 0.4 × 10⁴ है, प्लस एम का वैल्यू 0.5 × 10⁶ है। ये बड़ा अजीब सा नंबर है, 4 पाई मतलब 4 × 3.14 × 10⁷ - 7। 0.5 को अगर 10⁴ से मल्टीप्लाई करोगे तो 5000 आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे ये हो जाएगा 5 1 5 लाख आ जाएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 + 5000 ये हो गया, एंड मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3.14, ये मल्टीप्लाई कर लेना तो आपको यहाँ पे 6342800 × 10⁻⁷ आ जाएगा। 10⁻⁷ तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 0.634 तक लिख दो। मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका दो फॉर्मूला होता है, तो टेस्ला होता है या तो वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला दोनों लिख सकते हो आप यूनिट्स का। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रॉड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल ऑफ क्रॉस सेक्शन, रॉड का क्रॉस सेक्शन मैग्नेटिक मटेरियल का 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सेंटीमीटर मतलब 10⁻², लेकिन स्क्वायर है तो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इज लोकेटेड इन 4000 एम्पियर मीटर स्क्वायर मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड मतलब एच, इसको इस मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर डाल दिया गया है एम्पियर पर मीटर। मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द रॉड इज, मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब होता है बी इंटू ए, फ्लक्स का फॉर्मूला है बी इंटू ए, फिलहाल यहाँ पे यही याद रखो, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा होता है, पर थीटा हम यहाँ पे 0 मान के चलेंगे, तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी इंटू ए, और वो देके रखा है आपको 25 × 10⁻⁶ वेबर। फाइंड आउट रिलेटिव परमिएबिलिटी, पहले तो रिलेटिव परमिएबिलिटी ढूंढना है, इसका मतलब म्यू आर ढूंढना है रिलेटिव परमिएबिलिटी, और उसके बाद मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ढूंढना है। परमिएबिलिटी मिल गया तो ससेप्टिबिलिटी भी मिल जाएगा, और मैग्नेटाइजेशन भी ढूंढना है। तो शुरू करते हैं, पहले तो यार यहां से आपको फाइ इज इक्वल टू बी इंटू ए हो जाएगा, इससे आप क्या करो, पहले तो बी निकाल दो, फाइ अपॉन ए, तो आपको फाइ देके रखा हुआ है 25 × 10⁻⁶ वेबर, और एरिया देके रखा हुआ है 0.25 × 10⁻⁴। तो 1s है या 100s हो जाएगा, 100 ऊपर चला गया, और आई थिंक बी का वैल्यू 1 टेस्ला आ गया इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि 10⁻², तो ऊपर होगा और 100 होगा तो 1 टेस्ला आ जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी आ चुका है। अब आपको बोला ये गया है कि पहले तो म्यू आर ढूंढो, म्यू आर कैसे ढूंढोगे, अच्छा बी इज इक्वल टू म्यू इंटू एच, ये वाला फॉर्मूला पहले निकाल लो, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच, ये फॉर्मूला है, म्यू इंटू एच है, म्यू की जगह पे म्यू नॉट इंटू म्यू आर लिख सकते हो। बी का वैल्यू 1 है, म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई × 10⁻⁷ होता है, और म्यू आर का वैल्यू हमको ढूंढना है, और एच का वैल्यू आपका 4000 होता है। इस तरीके से आपको म्यू आर का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई
इंटू 4000 मल्टीप्लाइड बाय 10^-7। चलो देखते हैं यहाँ पे। सो 1 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 4000 विल गिव यू 1.99 इंटू 10^-5 इंटू 10^7। 10^7 ऊपर चला जाएगा और ये इन सब को सॉल्व करके ही आ रहा था। तो फाइनली आप लिख सकते हो यहाँ पे 199। तो ये आपका म्यू आर का वैल्यू आ गया। अब म्यू आर का वैल्यू आ गया। अब हम लोग को पता है कि 1 + काय जो होता है वो होता है म्यू आर। तो इसका मतलब काय का वैल्यू म्यू आर माइनस 1 हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 199 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 198। तो भाई काय का वैल्यू भी आ गया यहाँ पे 198। तीसरी चीज यहाँ पे बोली गई है मैग्नेटाइजेशन ऑफ द रॉड। मैग्नेटाइजेशन के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, बी इज इक्वल टू म्यू इंटू एच। म्यू इंटू एच ये वाला फॉर्मूला यूज करें क्या? आप बी पता है, म्यू पता है क्या? म्यू नहीं पता है। तो आप ये वाला फॉर्मूला देख लो ना, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच। तो इससे भी आपको पता तो चल ही जाएगा। या फिर एम इज इक्वल टू काय इंटू एच से आपको एम मिलेगा। चाहिए क्या? मैग्नेटाइजेशन चाहिए। सॉरी 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 मैग्नेटाइजेशन चाहिए। तो आप ये फॉर्मूला यूज करो, एम इज इक्वल टू काय इंटू एच। तो काय का वैल्यू 198 और एच का वैल्यू आपका 4000। तो 198 मल्टीप्लाइड बाय 4000 विल गिव यू 792000 और 7.92 1 2 3 4 5 10^5 एम्पियर मीटर इनवर्स। तो ये आपका मैग्नेटाइजेशन आ गया एम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द वर्क डन फॉर रोटेटिंग अ मैग्नेट विद मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एम थ्रू 90 डिग्री फ्रॉम इट्स मैग्नेटिक मेरिडियन इज एन टाइम्स द वर्क डन टू रोटेट इट थ्रू 60 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। अब मैग्नेटिक मेरिडियन जो होता है वो आप समझ लो कि अर्थ का, अगर मैग्नेटिक मेरिडियन की बात करें तो नॉर्थ से साउथ तक का जो लाइन्स होता है उसको मैग्नेटिक मेरिडियन बोल सकते हैं। तो मान लो जिस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर ये घूम रहा है तो आपका मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जिस डायरेक्शन में है यही डायरेक्शन आपका मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाएगा। यही आपका मैग्नेटिक मेरिडियन यही डायरेक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो ये इनका कहना है कि भाई आपका पहले सबसे पहले जो इनिशियल मैग्नेट जो है वो इनिशियली इस मैग्नेटिक मेरिडियन के अक्रॉस रखा हुआ है। तो ये मान लेते हैं इसका साउथ टू नॉर्थ यहाँ पे ऐसे अरेंज किया हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही रखा हुआ है। तो यहाँ पे इनिशियल एंगल थीटा नॉट आपका हो जाएगा जीरो। ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन के अलॉन्ग रखा हुआ है। अब उसको पहले 90 डिग्री के थ्रू घुमाते हैं और फिर इसे मैग्नेटिक मेरिडियन से 60 डिग्री के थ्रू घुमाते हैं। ठीक है, तो मैं थीटा 1 यहाँ पे 90 डिग्री लिखता हूँ और यहाँ पे थीटा 2 जो है वो 60 डिग्री लिखता हूँ। अब इसमें बोला क्या गया है देखो कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वर्क डन फॉर रोटेटिंग अ मैग्नेटिक मैग्नेट विद मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एम थ्रू 90 डिग्री फ्रॉम मैग्नेटिक मेरिडियन इज एन टाइम्स। मतलब 90 डिग्री इसका जो वर्क डन होगा वो W1 ले लेते हैं, इसका वर्क डन W2 होगा। तो उसने बोला है कि जो वर्क डन 90 डिग्री के थ्रू रोटेट करने पर है इट इज n टाइम्स वर्क डन फॉर टू रोटेट इट थ्रू 60 डिग्री। वर्क डन का फॉर्मूला क्या था याद करो, वर्क डन इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने देख के रखा हुआ था अगर आपको याद है तो, ये रहा आपका वर्क डन, ये दिख रहा है म्यू बी कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा, म्यू बी कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे दिक्कत क्या, म्यू की जगह पे एम लेके रखा हुआ है तो आप एम भी लिख लो, एम बी कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा 1 लिखना क्योंकि पहला वर्क डन है, इज इक्वल टू एन टाइम्स एम बी कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा 2। अब सबके वैल्यूज डाल दो, एम बी और एम बी हो जाएगा यहां से कैंसिल। कॉस थीटा नॉट का मतलब होता है कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू एन कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री, बस आ जाएगा आंसर। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1 माइनस कॉस 90 डिग्री 0 होता है, एन कॉस 0 डिग्री होता है 1 माइनस कॉस 60 डिग्री जो होता है वो 1/2 होता है। तो यहां से आप देख सकते हो एन इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाइड बाय 1/2 आ रहा है तो एन का वैल्यू आपको 2 आ जाएगा, ये ढूंढने को कहा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 5.3 इंटू 10⁻¹⁻ मीटर विथ, ये आपका रेडियस है, विथ स्पीड 2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो रेडियस यहाँ पे 5.3 इंटू 10⁻¹⁻ मीटर है, स्पीड यहाँ पे 2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। फाइंड द रिजल्टेंट ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट म्यू ऑर्बिटल ढूंढना है और इसका एंगुलर मोमेंटम ढूंढना है। ई का वैल्यू देके रखा हुआ है, एम का वैल्यू देके रखा हुआ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का। तो ये तो सीधा सीधा फॉर्मूले वाली चीजें आपको सब दे रखा है और कुछ करना ही नहीं है। एम ऑर्बिटल इज इक्वल टू, मैंने बताया था, ई वी आर अपॉन टू एक फॉर्मूला होता है। ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻¹⁹, वेलोसिटी 2 इंटू 10⁶ और आर 5.3 इंटू 10⁻¹⁹ डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व कर लो आपका आ जाएगा। तो ये 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5.3 डिवाइडेड बाय 2, ये आपका 8.48 आ जाएगा, 8.48। बाकी माइनस 19 माइनस 11 प्लस 6, तो ये आपका माइनस 19 माइनस 11 प्लस 6 विल गिव यू 24, सो इनटू 10⁻²⁴ एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये आपका म्यू ऑर्बिटल आ गया। बाद में एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा था, एंगुलर मोमेंटम एम वी आर होता है, तो एम का वैल्यू अगेन 9.1 इंटू 10⁻³⁰, वेलोसिटी आपको 2 इंटू 10⁻⁶ दे के रखा हुआ है और आर आपको दिया हुआ है 5.3 इंटू 10⁻²⁰। तो यहाँ से फिर से आपको देखो क्या मिल जाएगा, 9.1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5.3, दैट विल बी 96.46 इंटू, ये हो जाएगा माइनस 31, पावर देख लेते हैं, माइनस 11 प्लस 6 माइनस 36, और आप एक पीछे शिफ्ट कर दोगे 9.646 इंटू 10⁻¹⁵। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है न्यूटन मीटर सेकेंड, या फिर आप दूसरा फॉर्मूला चलेगा ये वाला, या फिर आप केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड भी लिख सकते हो, ये भी चल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका एंगुलर मोमेंटम हो गया। आगे बढ़ते हैं। अ पैरामैग्नेटिक गैस हैज 2 इनटू 10⁶ एटम्स पर मीटर विद एटॉमिक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ 1.5 इनटू 10⁻²³ एम्पीयर मीटर स्क्वायर ईच। द गैस इज एट 27 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी ऑफ दिस सैंपल, और इफ द गैस इन दिस प्रॉब्लम इज केप्ट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3 टेस्ला, इज इट पॉसिबल टू अचीव सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, देखो पहली बात तो ये कि आपका यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि पैरामैग्नेटिक गैस है उसका कितने एटम्स है, 2.0 इंटू 10⁶ एटम्स है, ये नंबर ऑफ एटम्स हो गया। ये पर मीटर नहीं होगा, पर मीटर क्यूब होगा, क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम ये देख रखा हुआ है, 2 इंटू 10⁶, इसको नंबर डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, और विद एटॉमिक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट 1.5 इंटू 10⁻²⁰ एम्पीयर मीटर स्क्वायर। तो हर एक का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है 1.5 इंटू 10⁻²⁰ एक का होता है, ईच एटम इसका, हर एक एटम का इतना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। द गैस इज एट 27 डिग्री सेल्सियस, गैस का जो टेम्परेचर है वो 27 प्लस 273 ऐड करो क्योंकि केल्विन में हमको चाहिए, तो 300 केल्विन का टेम्परेचर है। फाइंड द मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी ऑफ दिस सैंपल, और दूसरे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। पहले फिलहाल हम लोग ए वाला क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं कि भाई इसका मैग्नेटिक इंटेंसिटी कितना होगा, मैक्सिमम मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अब मैक्सिमम मैग्नेटिक इंटेंसिटी कब होगा, जब आपके जो डाइपोल्स हैं वो सारे के सारे अरेंज हो जाएंगे, मान लो सारे के सारे एटम जो है उसके डाइपोल्स एक ही डायरेक्शन में अरेंज हो गए, हर एक का डाइपोल मोमेंट दे के रखा हुआ है, आप सबका डाइपोल मोमेंट ऐड कर दो, तो जितने भी आपके पास नंबर है उतने डाइपोल मोमेंट्स आप मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका जो मैग्नेटाइजेशन है, मैग्नेटाइजेशन ये मैक्सिमम कब होगा, जब सारे एटम्स सेम डायरेक्शन में डाइपोल्स को अरेंज कर लेंगे, तो ये मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन हो गया। मान लेते हैं मैग्नेटाइजेशन हो चुका है,
अब ये कितना है बताओ आप, एक तो इसका फॉर्मूला क्या है, मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला क्या है, म्यू नेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब म्यू नेट का मतलब क्या, एक का म्यू लो उसके बाद नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर दो, एक एटम का म्यू लेना है उसके बाद जितने नंबर ऑफ एटम से उसे मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब यहाँ पे देखो म्यू का वैल्यू आपको दे के रखा हुआ है, एक म्यू का वैल्यू दे के रखा हुआ है 1.5 × 10⁻²। और एन बाई वी का डायरेक्ट वैल्यू दे के रखा हुआ है 2 × 10⁻², 2 × 10⁻²। तो आप देखोगे यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 1.5 × 2 3 हो जाएगा, 3 × 10⁻³ एम्पियर मीटर। तो ये आपका मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन आ चुका है। अगला सवाल क्या पूछ रहा है वो देखते हैं यहाँ पे कि इफ द गैस इन दिस प्रॉब्लम इज केप्ट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3 टेस्ला, इसको एक 3 टेस्ला के मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया, इज इट पॉसिबल टू अचीव सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। अब यहाँ पे कंडीशन है सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन के लिए, फॉर सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, फॉर सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर ईच एटम दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज एवरेज थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी ऑफ ईच एटम। मतलब अगर एक एटम का अगर आप एवरेज एनर्जी निकालते हो थर्मल एनर्जी तो वो कम होना चाहिए, अगर थर्मल एनर्जी ज्यादा है इसका मतलब सैचुरेशन नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो अब देखते हैं, अब मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है पहले वो बताओ, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है आपका यू दैट इज म्यू डॉट बी, म्यू डॉट बी होता है माइनस म्यू डॉट बी। अब ये सारे क्योंकि एक ही डायरेक्शन में अरेंज हो गए, हम सिर्फ अगर इसका या फिर इसको आप ले सकते हो म्यू बी कॉस थीटा, माइनस म्यू बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे आप देखो कि सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड में अरेंज हो चुके हैं, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे यहाँ पे, तो इसको मैं सीधा सीधा म्यू बी कॉस थीटा लिखूंगा तो भी चल जाएगा, और म्यू बी कॉस थीटा में थीटा आपका 0 डिग्री होगा, तो ये आपका मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का सीधा सीधा फॉर्मूला म्यू इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो म्यू बी कॉस थीटा होता है लेकिन कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, तो ये सीधा सीधा आप म्यू बी लिखो, और शुड बी ग्रेटर देन एवरेज थर्मल एनर्जी जो होता है वो होता है 3/2 KBT, ये आपने KTG में पढ़ रखा है, एक एटम का एवरेज एनर्जी होगा थर्मल एनर्जी वो 3/2 KBT होगा, तो म्यू भी 3/2 KBT से ज्यादा होना चाहिए। आप दोनों को कैलकुलेट कर लो और देखो क्या होता है, म्यू इंटू बी देखोगे एक एटम का, तो म्यू का वैल्यू एक एटम का 1.5 × 10⁻²³ है और मैग्नेटिक फील्ड 3 देके रखा हुआ है, 3 टेस्ला में इसको रखा हुआ है, तो 1.5 × 3 विल गिव यू 4.5 × 10⁻²³, ये आपका म्यू बी का वैल्यू आ गया। दूसरा अगर हम आप 3/2 KBT देखते हो तो 3/2 × KB का वैल्यू यहाँ पे देके रखा हुआ है 1.38 × 10⁻², और टेम्परेचर आपका 300 है, तो 3 × 300, 3 × 300 × 1.38 एंड डिवाइडेड बाय 2 विल गिव यू 621, राइट? 3 × 300 × 1.38 डिवाइडेड बाय 2 विल गिव यू 621 × 10⁻², और यू कैन सिंपली राइट इट एज 6.21 × 10⁻², ये आपका 3/2 KBT आ गया, राइट? तो देखो म्यू बी का वैल्यू जो है 4.5 × 10⁻², है और 3/KBT का जो वैल्यू है वो 6.21, ये दोनों जूल में ही होंगे, ये भी जूल में है और ये भी जूल में, 6.21 × 10⁻², है तो कौन सा ज्यादा, ये 10⁻²1 है और ये 10⁻²3 है, 23 21 है, मतलब लगभग 100 टाइम्स ये ज्यादा है। अब पर इसको कम होना था ना सैचुरेशन के लिए, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सिंस, इसको यहाँ पे सिंस
3 बाय 2 केबीटी इज ग्रेटर देन म्यू बी, जबकि म्यू बी को ज्यादा होना जरूरी था, और यहाँ पे ज्यादा कौन सा है, 3 बाय 2 केबीटी ग्रेटर देन म्यू बी, देयरफॉर नॉट पॉसिबल टू अचीव सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन, कंडीशन को फॉलो नहीं कर पा रहा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ मैग्नेटिक नीडल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हैज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2 इनटू 10 टू माइनस 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया 7.2 इनटू 10 टू माइनस 7 केजी मीटर स्क्वायर। इट परफॉर्म्स 10 कंप्लीट ऑसिलेशंस इन 6 सेकंड्स। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड? ये सेम क्वेश्चन है जो यहाँ पे हमने कर रखा है। अगर आप देखोगे तो कहा गया, ये जो पहला क्वेश्चन हमने किया हुआ था, ये नहीं, ये वाला क्वेश्चन कहा गया यार, पहला क्वेश्चन ये वाला, सेम चीज है, बस यहाँ पे आपको खाली वैल्यूज अलग अलग देके रखा हुआ है। अगर चाहिए तो मैं कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ढूंढने के लिए कहा गया है, ठीक है चलेगा। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट म्यू देके रखा हुआ है आपको 2 इंटू 10 टू माइनस 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी देके रखा है 7.2 इंटू 10 टू माइनस 7 के जी मीटर स्क्वायर, 10 ऑसिलेशन 6 सेकेंड्स में, 10 ऑसिलेशन 6 सेकेंड्स में। तो भाई एक ऑसिलेशन क्या होगा, एक ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड टी, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन और टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन, टाइम को नंबर ऑफ ऑसिलेशन से डिवाइड कर दो, टाइम पीरियड का फॉर्मूला टाइम को नंबर ऑफ ऑसिलेशन से डिवाइड कर दो तो आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा। अगर आपको कुछ याद नहीं रहता तो ये याद रख लो, टाइम 6 है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन 10 है, तो ये 0.6 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, हो गया। अब चाहिए कि आपको मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो भाई फॉर्मूला यूज करो ना, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन म्यू बी, और दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन म्यू बी हो जाएगा, और यहाँ से आपको बी का वैल्यू मिल जाएगा 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन म्यू इंटू टी स्क्वायर। बस अब सारे के सारे वैल्यूज आपको रखने हैं, 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया 7.2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7 डिवाइडेड बाय म्यू का वैल्यू 2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2, और आपका 0.6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 4 इंटू 3.14 इंटू 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 7.2, आपको लॉग से सॉल्व करना, आप ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, डिवाइडेड बाय 2 विल गिव यू, डिवाइडेड बाय 0.36 विल गिव यू 394.38 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ से आप देखोगे तो 10 टू माइनस 5 बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका 10 टू माइनस 5, और यू कैन सिंपली राइट इट एज 3.944 इंटू 10 टू माइनस 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, या फिर आप टेस्ला भी लिख सकते हैं, ये आपका आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ शॉर्ट बार मैग्नेट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 700 गॉस When its axis makes an angle of 30 degree with the external magnetic field, it experiences a torque of 0.014 Newton meter. ठीक है. Find the magnetic moment of this magnet and the work done in moving it from its most stable to most unstable position. ठीक है. तो सबसे पहले चीज तो ये कि इसका भाई magnetic field देके रखा हुआ है, उसमें बार magnet रखा हुआ है. जिस magnetic field में रखा है ये 700 gauss है. आपको मैंने बताया था टेस्ला में अगर कन्वर्ट करना है तो 700 इंटू 10 टू माइनस 4 टेस्ला, और ये हो जाएगा 7 इंटू 10 टू माइनस 2 टेस्ला। उसका एक्सिस एक मैग्नेटिक फील्ड के साथ 30 डिग्री बना रहा है, तो मान लो आपका ये मैग्नेट है, इसका डायपोल मोमेंट का जो एक्सिस है वो बाहर के मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाता है, तो ये एंगल थीटा आपको देके रखा हुआ है 30 डिग्री। Okay, it experiences a torque of, torque दे रखा है, कितना टॉर्क इस पे लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड में 0.014। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक तो ढूंढना है और दूसरा आपको वर्क डन ढूंढना है, तो पहले म्यू की बात कर लेते हैं। तो टॉर्क इज इक्वल टू म्यू बी साइन थीटा होता है, ये फॉर्मूला स्टार्टिंग में ही लिखाया था। टॉर्क का वैल्यू 0.014 है, म्यू का वैल्यू हम लोग को ढूंढना है, बी का वैल्यू 7 इंटू 10 टू माइनस 2, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो 0.014
एक सेकेंड, तो यहां से आपको म्यू का वैल्यू मिल जाएगा, म्यू विल बी इक्वल टू 0.014 अपॉन 7 इंटू 10 रेस टू माइनस 2 साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री जो है वो 1/2 होता है, तो ये आपका वैल्यू 0.014 अपॉन 7 इंटू 10 रेस टू माइनस 2 इंटू 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, तो म्यू का वैल्यू आपको मिल जाएगा 0.014 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 7 इंटू 10 रेस टू माइनस 2। तो ये जाएगा 0.014 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 7 और इंटू 2, तो ये 0.4 आ जाएगा आपका, 0.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर म्यू आ गया। और क्या बोला गया, वर्क डन फ्रॉम इट्स मोस्ट स्टेबल टू मोस्ट अनस्टेबल पोजिशन। देखो मोस्ट स्टेबल तब होता है जब आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड का म्यू का डायरेक्शन, म्यू मैंने बताया था साउथ टू नॉर्थ होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाए, मतलब आपका म्यू का और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों सेम डायरेक्शन में हो, तो मोस्ट स्टेबल पोजिशन होता है ये। मोस्ट स्टेबल पोजिशन में आपका थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा, और मोस्ट अनस्टेबल में उल्टा होता है, मोस्ट अनस्टेबल में आपका मैग्नेट उल्टा रखा हुआ है, इस तरह नॉर्थ साउथ ऐसे रखा हुआ है कि म्यू का डायरेक्शन यहाँ पे आ गया और बी का डायरेक्शन यहाँ पे आ गया, इसका मतलब आपका थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगा मोस्ट अनस्टेबल से। तो स्टेबल टू अनस्टेबल जाना है तो थीटा नॉट का वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगा, थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगा। वर्क डन का फॉर्मूला आप जानते हो, म्यू बी कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा होगा, तो म्यू का वैल्यू तो यहाँ पे हमको मिला है 0.4, बी का वैल्यू 7 इंटू 10 रेस टू माइनस 2 है, कॉस थीटा नॉट का मतलब होता है कॉस 0 डिग्री होगा, कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री माइनस 1 होता है, तो ये 0.4 इंटू 10 7 इंटू 10 रेस टू माइनस 2, कॉस 0 डिग्री 1 होता है और ये माइनस 1 हो जाएगा, तो ये आपका 728 इंटू 10 रेस टू माइनस 3 कर देते हैं हम लोग, और ये 1+1 आपका 2 हो जाएगा, तो 28 2 56 होता है 56 इंटू 10 रेस टू माइनस 3, तो ये आपका 0.056 जूल, ये आपका आंसर आ गया वर्क डन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ मैग्नेटिक नीडल इज सस्पेंडेड फ्रीली सो दैट इट कैन रोटेट फ्रीली इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। इन ऑर्डर टू कीप इट इन द हॉरिजॉन्टल पोजिशन अ वेट ऑफ 0.1 ग्राम इज केप्ट ऑन वन एंड ऑफ द नीडल। If the pole strength of this needle is 20 ampere meter, find the value of the vertical component of the Earth's magnetic field. अब देखो आपका magnetic field जो है वो मान लेते हैं इस तरीके से vertical component of Earth's magnetic field में रखा हुआ है। Earth का vertical component BH है और यही BH हम लोग को ढूंढना है। Okay? अब यहाँ पे अगर आप suppose करो north pole की बात करो और ये south pole की बात करो, तो north pole को magnetic field के direction में ही force लगता है और उस फोर्स का वैल्यू हम QB इंटू बी रखते, QB इंटू बी होता है और साउथ पोल को नीचे की ओर फोर्स लगेगा और इसका फोर्स का वैल्यू QB इंटू बी होगा, राइट। QB जो है ये होता है आपका पोल स्ट्रेंथ, QB को बोला जाता है पोल स्ट्रेंथ, और QB का वैल्यू इन्होंने शायद दे रखा है कि नहीं दिया हुआ है, हाँ, इफ द पोल स्ट्रेंथ ऑफ द निडल इज 20, ये आपका निडल है, ये नॉट्स, निडल भी बेसिकली एक मैग्नेट होता है, तो पोल स्ट्रेंथ आपको दे रखा है 20 एम्पियर मीटर, इस बार आपको पोल स्ट्रेंथ दिया हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड ये बी मतलब बीएच है आपका, बीएच क्योंकि आपका हॉरिजॉन्टल लिख दिया मैंने, वर्टिकल बोला है ना, सॉरी 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 सॉरी, ये वर्टिकल है, एक काम करो इसको बी ही रहने दो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बी क्या है आपका, बी इज नथिंग बट वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ, वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, उसको बी वी लिखते हैं एक्चुअली में, तो बी वी लिखने की जरूरत नहीं, आपने यहाँ पे लिख दिया तो काफी है, हम इसको बी ही मान के चलेंगे, तो ये बी हम लोग को ढूंढना है, और उसके अलावा इसका कुछ ना कुछ अपना वेट होगा, किसका, निडल का वेट होगा। अब दिक्कत क्या, देखो कि अभी इस तरीके से आप देखोगे तो एक फोर्स जो है नॉर्थ पोल को ऊपर की ओर लग रहा है, कहाँ गया, नॉर्थ पोल को ऊपर की ओर लग रहा है, और साउथ पोल को यहाँ पे नीचे की ओर फोर्स लग रहा है, और ये तो बीचों बीच लग रहा है, तो बीचों बीच अगर लगेगा तो वो नीचे खींचने की कोशिश करेगा। अब दिक्कत ये है कि उसका मैग्नेट को उसी पोजिशन पे रखना है रेस्ट पे,
उसी पोजीशन पे अगर रेस्ट पे रखना है तो यहाँ पे टॉर्क लग जाएगा, क्योंकि नॉर्थ पे फोर्स ऊपर क्यों लग रहा है, साउथ पे नीचे क्यों लग रहा है, तो इसको घुमाने लग जाएगा। अब इसको घुमाने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे घुमाने से बचाने के लिए क्या कर लोगे आप, ये जो नॉर्थ पोल है ना उस पर एक छोटा सा मास जाके रख देते हैं ताकि एक नीचे की ओर फोर्स भी लगे और ये इसको घूमने से बचाए। अब यहाँ पे मास अगर हमने एम रखा हुआ है तो ये वेट आपका एमजी आ जाएगा। यहाँ पे जो वेट एमजी है उसका मास कितना इस पे रखा हुआ है ये देखे रखा हुआ है, 0.1 ग्राम। 0.1 ग्राम का मतलब होता है 0.1 × 10⁻³ kg, और 10⁻³ kg मतलब 10⁻⁴ kg हो जाएगा, क्योंकि 0.1 मतलब 10⁻⁑ होगा। तो आप 10⁻⁴ kg का ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखते हो जिसकी वजह से वो घूम नहीं पाता है। अब घूम नहीं पा रहा इसका मतलब टोटल टॉर्क जीरो होगा। तो अगर मैं इस मैग्नेट को यहाँ से बनाऊं और इसका बीचों बीच वाला हिस्सा ले लूं पॉइंट ओ, अब इसका वेट एम जी जो है वो जिस हम क्या करेंगे यहाँ पर टॉर्क अबाउट ओ ढूंढेंगे, टॉर्क अबाउट ओ। अगर ये नहीं घूम रहा है तो टॉर्क अबाउट ओ जो होगा टोटल नेट टॉर्क दैट शुड बी इक्वल टू जीरो, तभी ये नहीं घूमेगा। तो बस उसी को जीरो कर दो और आपको मास मिल जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे ये मास रखने की वजह से टोटल टॉर्क जीरो हो चुका है मैग्नेट आपका रेस्ट के पोजीशन पे। जिस पॉइंट के अबाउट अगर आप टॉर्क निकालते हो उस पॉइंट पे एक जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स के वजह से कोई टॉर्क नहीं आएगा, ये वेट की वजह से कोई टॉर्क नहीं आएगा। वेट तो उसको सीधा नीचे खींचेगा, वेट जो है वो उसको घुमाएगा नहीं, तो हमको वेट यहाँ पे नहीं कंसिडर करेंगे तो भी चल जाएगा। अब एक फोर्स उसको ऊपर की ओर लग रहा है QB इंटू बी, एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है दैट इज इक्वल टू QB इंटू बी, और एक फोर्स नीचे की ओर लग रहा है MG। इन तीनों के वजह से टोटल टॉर्क को आप क्या करो, टोटल टॉर्क ऐड करके जीरो कर दो। अब टोटल टॉर्क में देखो क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। टॉर्क जो होता है वो होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से होना चाहिए, जिस पॉइंट से आप टॉर्क को कैलकुलेट कर रहे हो। तो पहले हम एक काम करते हैं, ये जो टॉर्क क्यू भी है इसका हम लोग इसका टॉर्क निकाल लेते हैं। इसका टॉर्क क्या होगा बताओ। अब देखो एक फोर्स उसको क्लॉकवाइज घुमा सकता है, दूसरा उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकता है। तो हम मान के चलते हैं कि जो क्लॉकवाइज घुमाएगा उसको हम पॉजिटिव टॉर्क मानेंगे, जो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा उसे नेगेटिव टॉर्क मानेंगे। अभी क्योंकि क्यू भी उसे नीचे खींच रहा है तो क्यू भी उसको क्लॉकवाइज घुमाएगा, इसको तो क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो हम क्या करेंगे इसका टॉर्क हम लोग पॉजिटिव मान के चलेंगे। अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स तो यहाँ पे क्यू बी इंटू बी लग रहा है, लेकिन ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है इसका, एल बाई टू है, लेंथ है ना यहाँ पे, लेंथ एल बाई टू है, तो क्यू बी इंटू एल बाई टू ये आ गया। चलो अब दूसरा टॉर्क जो है वो क्यू बी इंटू बी फिर से है ऊपर की ओर। अब देखो ये ऊपर की ओर फेंकेगा, ऊपर की ओर फोर्स लगेगा तो ये उसको ऐसे घुमाएगा। अब ये भी एक्चुअली क्या है आपका, क्लॉकवाइज ही है ना, तो ये वाला क्यू बी इंटू बी जो ये भी क्लॉकवाइज ही घुमाएगा, तो ये भी ऐड हो जाएगा, क्यू बी इंटू बी फोर्स हो गया, और इसका भी ओ से डिस्टेंस एल बाई टू ही है, एल बाई टू लिख दो। अब लेकिन ये एम जी जो है ये एम जी नीचे धकेलेगा उसको, तो उसको नीचे ऐसे घुमाएगा, तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अब एंटी क्लॉकवाइज को हमने क्या मान के रखा हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज ये पूरा ऐसे घूम के जाएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाएगा उसको, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को हमने नेगेटिव मान रखा है तो ये नेगेटिव आ जाएगा। तो पहले तो फोर्स एम जी लिख दो मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ से, तो एल बाई टू ही है इसका, टोटल मिला के जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर आप एल बाई टू कॉमन ले लेते हो तो यहाँ पे क्यू बी प्लस बी, क्यू बी बी माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो एल बाई टू वहां जाके जीरो हो जाएगा, क्यू बी बी टू क्यू बी बी हो जाएगा, माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो। हमको ढूंढना क्या था, यहाँ पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बी ढूंढना है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि टू क्यू बी बी का वैल्यू एम जी के इक्वल हो जाएगा और बी का वैल्यू एम जी अपॉन 2qbb हो जाएगा। तो बस आपको यहाँ पे क्या करना है, m का वैल्यू 10⁻⁴, g का वैल्यू 9.8 बोला है तो 9.8 ले लो, डिवाइडेड बाय 2qb का वैल्यू कितना हो जाएगा, qb qb मतलब qb दिया हुआ है 20, तो यहाँ 20 हो जाएगा, और यार ये b कहाँ से आ गया, सॉरी b इज इक्वल टू mg अपॉन 2qb, दैट्स इट, एम जी अपॉन 2qb।
ये 9.8 डिवाइडेड बाय 40 इनटू 10 रेस टू -4 होगा। सो 9.8 डिवाइडेड बाय 40 विल गिव यू 0.245 इनटू 10 रेस टू -4, और यू कैन सिंपली राइट 2.45 इनटू 10 रेस टू -5 टेस्ला। ओके, 2.5 इनटू 10 रेस टू -5 टेस्ला, ये आंसर है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज स्काई एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल का जो ससेप्टिबिलिटी है वो 27 डिग्री सेल्सियस पे काय है। तो काय कब है? जब टेम्परेचर इसका एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, पर आपको इसको केल्विन में कन्वर्ट करना होगा, तो ये 300 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, एट वॉट टेम्परेचर इट्स ससेप्टिबिलिटी बी काय बाई 3। तो अगर मान लो इसका ससेप्टिबिलिटी काई डैश हो जाता है, दैट इज इक्वल टू काई बाई 3, तो ये किस टेम्परेचर पे होगा? मान लेते हैं टी डैश टेम्परेचर पे है, और यही टी डैश हम लोग को ढूंढना है। तो आप देखो फॉर्मूला, ये हमने देखा था कि काई जो है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आप ऐसे लिख सकते हो काई डैश अपॉन काई इज इक्वल टू टी अपॉन टी डैश, उल्टा हो जाएगा ना। काई डैश इधर है तो यहाँ पे टी डैश नीचे आ जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो काई डैश का वैल्यू तुमको ढूंढना है, काई डैश अपॉन काई इज इक्वल टू टी का वैल्यू यहाँ पे 300 है, और सॉरी हम लोग को टी डैश ढूंढना है। काई डैश का वैल्यू तो दे के रखा हुआ है, काई डैश का वैल्यू आप ऊपर से देखोगे तो काई बाय 3 है, और यहाँ पे टी डैश ढूंढना है, तो ये और ये हो जाएगा आपका कैंसिल। तो टी डैश का वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हो 300 मल्टीप्लाइड बाय 3, दैट इज इक्वल टू 900 केल्विन। अब 900 केल्विन है, इसको अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो आप क्या करो, 900 में से 273 माइनस कर दो। तो 900 में से अगर आप 273 माइनस करते हो तो आपको 627 डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा। 627 डिग्री सेल्सियस ये आपका टेम्परेचर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक आध एमसीक्यू और आपका यहाँ पे चैप्टर होता है खत्म। A rectangular magnet suspended freely has a period of oscillation equal to T. Now it is broken into two equal halves, each having half of the original length, and one piece is made to oscillate freely. Its period of oscillation is T dash. The ratio of T dash upon T is. अब देखो पहली बात तो ये कि भाई अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट ऑसिलेट कर रहा है तो उसका फॉर्मूला T is equal to 2 pi under root I upon mu b होता है। जहां पे मैंने आपको बताया था लास्ट चैप्टर में बताया था कि ये जो अगर मान लो मेरे पास मैग्नेट है इस तरीके से बार मैग्नेट, तो इसका जो ये वाला हिस्सा है, जो हिस्सा आपको ऑसिलेट करते हुए दिखेगा, ये ऊपर वाला रेक्टेंगुलर हिस्सा, अगर सपोज करो इसका लेंथ मैं एल ले लेता हूँ और ब्रेड्थ इसका अगर मैं बी ले लेता हूँ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला होगा वो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके थिकनेस मैटर नहीं करेगी, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो एम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2L, ये फॉर्मूला होता है, एम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। पर यहाँ पे दिक्कत क्या है कि इसका प्रॉब्लम ये होगा कि लेंथ और ब्रेड्थ का कोई रिलेशन भी देके रखा हुआ नहीं है, और ब्रेड्थ का कोई यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी नहीं है। हमें पता है कि इसको अगर आप दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो ब्रेड्थ तो वही होगा, लेंथ आधा आधा हो जाएगा। तो क्योंकि ब्रेथ का इंफॉर्मेशन नहीं है तो आगे आप ब्रेथ वाला पार्ट, ये जो प्लस बी स्क्वायर है ना, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा और आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो हम यहाँ पे ये अज्यूम करके रखते हैं कि ये इतना पतला है, अज्यूम मैग्नेट इज मैग्नेट्स ब्रेथ ब्रेथ बी इज नेग्लिजिबल, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से नेग्लिजिबल हम लोग को मान के चलना पड़ेगा। तो फाइनली इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ? अगर नेग्लिजिबल है तो ये एक रॉड की तरह है, बहुत ही पतला सा रॉड की तरह है, और रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो एम एल स्क्वायर बाय 12 होता है, हम जानते हैं। वैसे भी बी को यहाँ से हटा दोगे तो एम एल स्क्वायर बाय 12 बचेगा। तो इतना इन्फॉर्मेशन हम आपको चाहिए, अब आगे हम बढ़ते हैं। तो भाई पहले तो फॉर्मूला हम लोग को पता है टी, तो टी का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं बताओ? टी कैन बी रिटन एज 2 पाए, आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर अपॉन 12 डिवाइडेड बाय म्यू इनटू बी, ये हो गया पहला कंडीशन। अब उसके बाद उसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया गया,
तो अगर सपोज करो इसको हाफ पार्ट में आप डिवाइड कर दोगे और इसका एक छोटा सा हिस्सा ही लोगे, सेकेंड केस में एक छोटा सा हिस्सा ही आप लेते हो, तो एक तो पहली चीज तो ये आपने इसका स्ट्रेंथ आधा कर दिया। मैग्नेट का जो स्ट्रेंथ होता है बच्चों वो डिपेंड करता है इसके इसके इस पे आपने लेंथ क्या रखा है। तो आपने अगर सपोज करो आधा करके रखा हुआ है तो इसका स्ट्रेंथ भी आधा हो जाएगा। तो मैं सिर्फ इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, तो लेंथ इसका एल बाय टू हो जाएगा, तो म्यू भी जो है वो म्यू बाय टू हो जाएगा, म्यू डैश का वैल्यू म्यू बाय टू हो जाएगा। तो अब इसका जो नया वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डैश होगा वो क्या होगा, और इसका मास भी आधा हो जाएगा, एम डैश भी जो है वो एम बाय टू हो जाएगा। तो आई डैश इज इक्वल टू क्या होगा, एम एल स्क्वायर बाय टू, या आप इसको ऐसे लिख दो, टाइम पीरियड लिख लेते हैं यहाँ पे। इसका मास भी जो एम डैश है वो एम बाई टू हो जाएगा, आधा हो जाएगा, सब कुछ आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं नया टाइम पीरियड निकालता हूँ टी डैश, तो टी डैश का वैल्यू क्या होगा, टू पाई अंडर रूट आई डैश अपॉन म्यू डैश इंटू बी। बाहर का मैग्नेटिक फील्ड तो सेम रहने वाला है, सो दैट इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट आई डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, एम डैश एल डैश का स्क्वायर अपॉन 12 अपॉन म्यू डैश बी। सो दैट इज इक्वल टू टू पाई, एम डैश का मतलब क्या, एम डैश जो है वो मास है, मास तो आधा हो चुका है तो हम एम बाई टू लिखेंगे। अब एल डैश जो है वो ये है, इसका नया लेंथ है वो भी एल बाई टू हो चुका है, तो एल बाई टू का स्क्वायर लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि एम एल स्क्वायर है ना, तो ये एल बाई टू का स्क्वायर हो जाएगा। ये रहा आपका एल बाई टू का स्क्वायर, इसको इक्वेशन वन लिख दो। और म्यू डैश को भी म्यू बाई टू लिखा जाएगा क्योंकि म्यू भी आधा हो जाएगा, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी आधा हो जाता है इंटू बी, इसको इक्वेशन टू लिख दो, ठीक है। तो ये आपका टी डैश आ गया, आपको टी डैश चाहिए था। सो फ्रॉम वन एंड टू आपको टी डैश अपॉन टी का वैल्यू मिल जाएगा। अब टी डैश में देखो यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, टी डैश अपॉन टी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे टी डैश अपॉन टी विल बी इक्वल टू अंडर रूट टू पाई एम बाई टू, और इसको एल स्क्वायर बाय फोर कर दो, एल स्क्वायर बाय फोर अपॉन म्यू बी अपॉन टू, ये हो गया आपका टी डैश अपॉन टी। इक्वेशन वन से आ जाएगा, इक्वेशन वन से टू पाई अंडर रूट, इसको बड़े ध्यान से लिखना और जो कैलकुलेशन है उसको ढंग से करना, नहीं तो सब गड़बड़ा जाएगा। अब देखो म्यू बी और म्यू बी यहाँ से हो जाएगा कैंसिल, और एम एल स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, और ये टू पाई यहाँ पे हो जाएगा कैंसिल। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, अच्छा एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व भी है, सॉरी ये गड़बड़ कर दी यहाँ पे फॉर्मूले में, एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व आएगा, एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व आएगा, इसको मैं लिख देता हूँ अच्छे से, ये हमें एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व मिस कर दिया। एम डैश का एम बाई टू, इक्वेशन टू में देखो ध्यान से, एम डैश का एम बाई टू, एल डैश का एल स्क्वायर बाई फोर लिखा, लेकिन नीचे बाई ट्वेल्व भी तो है, यहाँ पे देख रहे हो ना ट्वेल्व भी है, यहाँ पे ट्वेल्व भी आएगा, तो इस हिसाब से ये वन बाई ट्वेल्व यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो ध्यान से यहाँ पे इसको मैं ऊपर वाला स्क्वायर रूट देखोगे तो आपको क्या क्या है, ये वाला जो टू है वो ऊपर चला जाएगा, और ये टू वन बाई टू ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचा है आपका वन अपॉन फोर मल्टीप्लाइड बाय वन अपॉन ट्वेल्व, और नीचे आप देखोगे तो अंडर रूट में आपको बचा है वन अपॉन ट्वेल्व, तो ये वाला पार्ट यहाँ से खत्म हो जाएगा, वन बाई फोर का स्क्वायर रूट वन बाई टू, इसका मतलब टी डैश जो है वो टी बाई टू हो जाएगा, यही आपका आंसर है। और टी बाई टू, अच्छा टी डैश अपॉन टी का रेशियो बोला है, ठीक है, टी डैश अपॉन टी, टी नीचे ले आओ, तो टी डैश अपॉन टी का जो रेशियो है वो वन बाई टू आ रहा है, दैट इज ऑप्शन। थोड़ा ध्यान से करना इन चीजों को, बाकी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक दिस शुड बी द लास्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू वाले ही क्वेश्चन है। अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड मतलब एच, उसका वैल्यू 360 एम्पियर मीटर पर मीटर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी 0.6 टेस्ला, ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड है इन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, व्हाट इज इट्स परमीएबिलिटी इन टेस्ला मीटर पर एम्पियर, इसकी परमिएबिलिटी म्यू क्या है ये ढूंढने बोला है। तो ये तो यार सीधा सीधा फॉर्मूला है,
बी इज इक्वल टू म्यू इंटू एच, तो आपको म्यू का वैल्यू मिल जाएगा परमिबिलिटी, बी मतलब परमिबिलिटी, म्यू इज इक्वल टू बी बाय एच हो जाएगा, बी का वैल्यू 0.6, एच का वैल्यू 360, तो ये 6/3600 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/600, ये आपका आंसर है 1/600, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, यूनिट टेस्ला मीटर पर एम्पियर जो कि इसका ऐसा यूनिट है, पर आंसर आपका 1/600 आ गया है। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर भी आपका यहाँ पे होता है खत्म, मैग्नेटिक मटेरियल्स का। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के लिए। थैंक यू।